हेलो दोस्तों, नमस्कार गाइस। तो फाइनली आइए जानते हैं इंडियन सिनेमा हाल के इसी मच सावेंटेड हुआ न्यू अपकमिंग फिल्म आज पुरुष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिस न्यू अपकमिंग मूवी से जुड़ी आज के दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जिस न्यू अपकमिंग फिल्म के आज फाइनल ट्रेलर को आउट कर दिया गया है। ये ट्रेलर सोशल मीडिया पर आउट होते ही बहुत ही जोर शोर के साथ सुर्खियों में चर्चा के विषय पर बना हुआ है। जो ये न्यू अपकमिंग मूवी श्री राम के जीवन पर आधारित यानी रामायण पर आधारित कहानी होने वाली थी, लेकिन जब से इसी फिल्म में VFX का ज्यादा इस्तेमाल किया गया तो इनके फैंस को ये न्यू अपकमिंग फिल्म रामायण से बहुत ही ज्यादा हटकर लग रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसी मूवी के ट्रेलर को नहीं देखा है तो आप लोग टे सीरीज के चैनल पर जाकर के हिंदी में इसी मूवी के ट्रेलर को देख सकते हैं। जिस तरह पहला ट्रेलर आउट किया गया था वो ट्रेलर उतना चर्चा में नहीं आया था, लेकिन ये ट्रेलर रिलीज किया गया लेकिन ये भी उतना ज्यादा चर्चा में नहीं आया है, क्योंकि इसी मूवी के ट्रेलर में ज्यादातर अपमानित जनक वीडियो को ही दिखाया गया है। जिस मूवी के प्रमोशन के लिए अभी इसी मूवी के डायरेक्टर लोग जगह जगह जाकर के इसी मूवी के प्रमोशन करते रहते हैं, और फाइनली जब इसी मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ तो इनके फैंस का इसी मूवी को लेकर के कोई अच्छा ज्यादा अट्रैक्शन नहीं दिखा। और इनके फैंस लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि इसी मूवी के मेन रोल को लीड करने वाले एक्टर यानी प्रभास, जो कि श्री राम के रोल को लीड कर रहे हैं, उनमें राम का थोड़ा बहुत भी लुक नहीं दिखाई दे रहा है। और वहीं लक्ष्मण की बात करें तो लक्ष्मण का नामो निशान ही नहीं लग रहा है इसी मूवी में। जिस मूवी में ज्यादातर VFX का ही इस्तेमाल किया गया है, वहीं अगर सोने की लंका की बात करें तो एक कोयले के खदान जैसा दिखाया गया है, जो कि रामायण में रावण की सोने की लंका तो एकदम सोने की ही थी। दोस्तों, इतना हाई बजट खर्चा करने के बाद भी ये मूवी ऐसा लग रहा है कि इंडियन सिनेमा हॉल के बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज्यादा धमाल तो नहीं मचा पाएगी। जिस न्यू अपकमिंग मूवी को आने वाले इसी महीने के 16 जून को इंडियन सिनेमा हॉल के बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही जोर शोर के साथ रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों ने अगर इसी मूवी के ट्रेलर को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा।